हेलो एवरीवन, राजकोट मा आप लोगों नु स्वागत छे। भाई नाम तो याद रखा था, लेकिन तुमने माटी करवा दी मुंबई इंडियंस की और गुजरात से भी गालियां खा रहे हो। द बिगेस्ट लेसन एनी वन कैन लर्न फ्रॉम हार्दिक पांड्या करंट आईपीएल फॉर्म इज दैट कि नेवर गो बैक टू योर एक्स। गालियां ही पड़ेगी और इतना गंदा डाउनफॉल आएगा कि साला सोशल मीडिया, परिवार सब तुम्हें गालियां देगा। बट पांड्या भाई, वी हैव ट्रस्ट इन यू। वर्ल्ड कप में बाउंस बैक करो, कोई ऐसा परफॉर्मेंस दे दो सबकी बोलती बंद हो जाए। ठीक है भैया, एंड एज यूजुअल वी आर गोइंग टू राजकोट। और ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, अब हम ऐसे ही प्लान बनाते हैं ऑन द स्पॉट और ऑन द स्पॉट ही निकल जाते हैं। सुबह दिल्ली, रात को राजकोट, दैट्स इट। राजकोट क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं और ऑन द स्पॉट क्यों जाना पड़ रहा है, वो सभी अभी अब आपको बताएंगे हमारे बाबू। बाबू, बड़ी मम्मी, बाबू अपन राजकोट क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तीन दिन का फंक्शन है। क्या क्या है? माता जी तेरे और फैक्ट्री नु उद्घाटन छे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, बस इतना सारा नहीं, अब चटाई लग रही है बस। एज यूजुअल भैया, गुजराती फैमिलीज ऑलवेज रीच 1 आवर बिफोर द एक्चुअल टाइमिंग ऑफ ट्रेन। और अब 1 घंटा हम ऐसी धूप में सड़ेंगे, कुछ कुछ ब्लॉग बनाते रहेंगे। एंड द गुड पार्ट ऑफ द ब्लॉग इज कि पहली बार कोई ब्लॉग iPhone 15 Pro Max all the way from Dubai के अंदर बन रहा है। एंड द बैड पार्ट इज दैट कि मेरी टिकट कन्फर्म नहीं है, हमारी 2 टिकट कन्फर्म है, तीसरा मैं घुस गया हूँ बीच में, तो हम दोनों के अंदर ही एडजस्ट करेंगे, वेटिंग में ले लिए। बट रीज़न ये था कि जीजा जी ने बोला कि भैया आना पड़ेगा, तो जीजा जी ने बोला आना पड़ेगा मतलब आना पड़ेगा, और राजकोट बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कभी। इस बार वैसे राजकोट जाके भैया गोला भी खाना है, घुघरा भी खाना है, दाबेली भी खानी है, मुगलई भी खाना है, बहुत कुछ खाना है। इस बार सिर्फ खाने और इन्जॉय करने जा रहे हैं और 3-4 ब्लॉग का कंटेंट लेकर आएंगे। अभी ट्रेन चली भी नहीं भैया, और बाबू ने अपना चिट चैट पार्टनर ढूंढ लिया है टिल राजकोट। तो इस वाली सीट पे तो मैं नहीं बैठूंगा, मैं अगली जो हमारी दूसरी सीट है वहाँ बैठूंगा। ट्रेन चल चुकी है भैया, और फैमिली के साथ ट्रैवल करने का एक बढ़िया मतलब तो वो पहरना बेव आएगा, चाह कौन पी रहा है। ट्रेन चल चुकी है भैया, और फैमिली के साथ ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये होता है कि टाइम से खाना मिल जाता है। मैं तो सिर्फ पुआले का आता हूँ, ये भाई सब मतलब बाबू और बड़े पापा सब खाना पीना, रोटी सब्जी अचार छास सब लेकर आया, डिस्पोजल चम्मच ग्लास मेरे पास आ भी गया है। 1:30 बजे ट्रेन चली थी, 2 बजे मेरे को खाना भी दे दिया, फुल मतलब क्या कहते हैं खातिरदारी की जा रही है। भैया हम लोग पहुँचे हैं बवाल, और बवाल गर्मी हो रही है, बवाल धूप, पसीने नहीं रुक रहे भाई साहब। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है। सो वी हैव रीच्ड अलवर, और मौसम तो ऐसा हो रहा है जो गार्डन गार्डन हो रहा है भाई साहब। सुबह इतनी गर्मी, इतनी धूप, मेरा आईफोन में वो पहली बार, जब से मैंने आईफोन लिया तब से पहली बार वो नोटिफिकेशन आई कि योर आईफोन टेम्परेचर इज टू हाई, मतलब इसको थोड़ा कूल डाउन होने दो। ऐसी तैसी हो गई थी, पसीने निकल रहे थे भाई, ऐसे पसीने तो भाई कभी नहीं निकले जैसे निकल रहे थे, और कोई हवा नहीं, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। और अब मौसम देखिए, पैसा वसूल ट्रेन दिल्ली राजकोट। पोरबंदर में जब जब गया हूँ तब तब ऐसी तैसी, ऐसी ट्रेन में आओ जब मौसम भी बढ़िया हो, ट्रेन भी बढ़िया हो। रिश्तों की गलियां तंग है, शर्मो शर्मीले बंद है, खुद से खुद की कैसी जंग है, पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कुछ भी बोलो भैया,
मौसम एकदम सेक्सी सा हो गया और हम सेक्सी सेक्सी समोसे खा रहे हैं। वी रीच्ड बांदीकुई। जी कितने दिन से पड़े भैया? ये राजकोट वाले रूट में एक जयपुर था जो अच्छा स्टेशन था, जहाँ पे अच्छा खाना मिलता था, यहाँ पे भी बेड़ा गर्क हो गया। कुछ है ही नहीं भाई, सब कुछ सील पैक है, मतलब खाना और यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे हाँ पेट में, मतलब मामला कुछ मेरा पेट, जिसका पेट नहीं वो सेट नहीं। कुछ खुशखबरी ज्यादा ही होगा। बिल्कुल चीयर्स। चीयर्स। दुनिया बहुत छोटी है, कोई कहीं भी मिल सकता है। पोहा एंड पेप्सी, व्हाट अ कॉम्बो। ये बच्चा बहुत देर से रोमांटिसाइज हो रहा है मेरे को देख, बहुत देर से भैया ये मेरे को देख रहा था, अब इसका अरमान पूरे हो गए। एक ही चीज़ पूछना चाहता था कि भैया व्लॉग बनाते हो? मैंने बोल दिया हाँ बनाते हैं। हाँ जी, दिल्ली से हो गुजरात से? तो फिर तो ये अपने पड़ोसी, कहाँ रहते हो? गुजरात गाँव है। दिल्ली में कहाँ रहते हो? गुजरात में गाँव है। जे जे कॉलोनी कौन सी? अरे भाई जगह वजीरपुर रहते हो। ओके गेनिंग सब्सक्राइबर्स इन ट्रेन, सारे बच्चों से चैनल सब्सक्राइब करवा लिया। बड़ा ठंडा पानी मिला भी अजमेर में, तो वैसे ही अजमेर कम लग रहा है, शाहीन बाग ज्यादा लग रहा है मेरे को। वी हैव रीच्ड ब्यावर। तो भैया ब्यावर पहुंच चुके हैं और अब सीधा मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको हम राजकोट में लाएंगे, बिकॉज बहुत तेज नींद आ रही है, बस ट्रेन तेज चल नहीं रही है। एक बार तेज चल जाए ना, एक बार वो झपकी लग जाए, तो फिर सुबह ही उठूंगा अपने। ओके टाटा बाय बाय, सी यू इन द रंगीलू राजकोट। गुड मॉर्निंग शोभित भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वाकानेर की चाय मुबारक हो। शोभित भाई टेकिंग अस टू द बेस्ट एवर चाय ऑफ गुजरात। चीयर्स। मोरबी से और राजकोट हमारे साथ दिल्ली से था। अरे वो एक छोटा सा लड़का था, वो कहाँ गया? वो गया आगे। तुम यहीं रहते हो कि दिल्ली रहते हो? दिल्ली। कहाँ पे? अच्छा ये वजूरीपुर वाले ही हो सारे। ओके बाय बाय। हेलो एवरीवन, राजकोट में आप लोगों नु स्वागत छे और हमारी ट्रेन टाइम पे है, तो बड़े पापा बड़ी मम्मी चले गए, जीजा जी वेट कर रहे हैं क्योंकि जोधपुर से भी क्या कहते हैं दीदी के सब आ रहे हैं, दीदी भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं, जोधपुर से भी, दिल्ली से भी, सबको बुला लिया है, आ जाओ आज राजकोट में हल्ला करेंगे। आज वेट कर रहे हैं, दूसरी ट्रेन एक घंटा लेट है, तो उनका वेट कर रहे हैं, फिर साथ में ही लेके जाएंगे उनको। रिश्तों की गलियां तंग है, शर्मो शर्मीले बंद है, खुद से खुद की कैसी जंग है, पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी पहेली वो दिल मर जाना। कल तो तेरे सारे बाल उड़ जाएंगे। दर्शी कहाँ है? दर्शी दीदी क्या?
नहीं है दीदी, कहाँ ऊपर है क्या आ रही है? चलो पहले उसका रिएक्शन लेते हैं। इस पर तो कुछ फर्क नहीं है, दो बार सरप्राइज दे चुका हूँ तेरे को, है ना? दो बार दे चुका हूँ ना दर्शी ना। गेट लॉस्ट, कहाँ है दीदी? वेलकम। कौन कर रहा है मेकअप? है ये मेकअप कौन कर रहा है? भैया आपसे दर्शी को सरप्राइज नहीं देंगे, ये कोई रिएक्शन देती नहीं है। इतना पैसा खर्च करके राजकोट आते हैं हम, वेटिंग की ट्रेन में स्लीपर में धक्के खाते हुए, कोई रिएक्शन नहीं देती, कोई वीडियो वायरल होने का चांस ही नहीं है भाई। और सर भैया ना लिया है, एस्थेटिक बॉय एस्थेटिक का 14 बनने की कोशिश की जा रही हो राजकोट, अब ये काला हो जाएगा, इतना काला हो जाएगा। इसको देखो भैया, सब ढूंढ रहा है कहाँ बैठा हुआ है। ओए ये कौन सी जगह है फोन देखने की? हैं अब मुझे पता है फोन देख रहा है भाई ने। दादा अरे की खूब हेलो, ये सब लोग चोटीला जा रहे हैं। तो भैया सिस्टम कुछ ऐसा है कि मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, रात को पता नहीं रेलवे स्टेशन पे क्या क्या खाया था, कुछ समझ नहीं आ रहा। और पीछे है दर्शी की दुकान, दर्शी के पापा की दुकान, सबकी दुकान है ना। और जो प्लान नहीं किया था वो हो रहा है, हम फिर से जा रहे हैं चोटीला। दीदी दुबई से आए, इन सबको जाना था। टेस्ला में मज़ा है या इसमें मज़ा है? मज़ा तो इसमें ही है, गियर वाली में। हाँ, वी आर एन रूटिंग चोटीला अगेन इन जस्ट 2 मंथ्स। पिछले 10 साल से नहीं गया था, कितना भी सोचा, 1 साल राजकोट रहा, नहीं जा पाया। अब जा रहा तो 2 महीने में दूसरी बार जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड दिस लेडी। बस इन दोनों का ही प्लान था, बाकी सब जा रहे हैं इनके साथ। तो मेरी आवाज़ की ऐसी तैसी हो चुकी है। वेलकम टू चोटीला। वेलकम कर दे। जय चामुंडा माँ। चोटीला इतनी भी कोशिश कर लो, प्लान बना के आओगे राजकोट तो भी चोटीला नहीं आ सकते। मैं 1 साल राजकोट रहा, कभी नहीं आ पाया। 10 साल पहले आया था दीदी की शादी में, अब 2 महीने में 2 बार आ गया हूँ, बड़ा मतलब सुकून मिलता है। बीजेपी के, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये पुरुषोत्तम रूपाला ही लग रहा है। ये पुरुषोत्तम रूपाला और ये सारी रूपाली। कल से मेन फंक्शन स्टार्ट है, हमें लग रहा है हम पहले ही टैनिंग के शिकार हो जाएंगे सारे। ज़बरदस्त गर्मी, 44 डिग्री सेल्सियस, चुभ रही है ऐसे स्किन के ऊपर, चुभ रही है। मन के मांगे हित मुदु एनोरा है गुयावी एविलेवी नेरी नुंबे नाके मांगे नते हामे हायावी सिहिवेवी माँ हितलंग मदेवतना रूपे मक पटलना रुआनारे मनहारे सुकुमाले नुबतमा हितलंग मदेवतना। मैं भैया सबसे आगे था, भाबू से चढ़ाई नहीं जा रहा, भाबू को चढ़ाने के चक्कर में हम सब पीछे हैं। चढ़ गए भाबू, बस थोड़ा सा दूर है अब। ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो वगाड़ माँ धीमो वगाड़ माँ रढ़ियाली रातड़ी नो जोज रंग जायना आवता जता जरा नजर तो नाखता जजो आवता जता जरा नजर तो नाखता जजो बीजू तो कहीं नहीं तो तमे केम छो कहता जजो केम छो कहता जजो आवता जता। चलो भाई इसको तड़का टपा दे रहे, इनको बोला था चप्पल पहन के चलो, इन्हें सारे खिलाड़ी है भाई, राजकोट के खिलाड़ी, ये ना सुनती। तो गाइस वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड सेकंड जर्नी ऑफ चोटीला, और 2 महीने नहीं हुए, 18 मार्च को आया था मैं, अभी 18 महीने आई, 2 महीने में दूसरी बार कंप्लीट कर चुके हैं। ब्लेस्ड
एंड ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट। और अब तीसरी बार मम्मी को लेके आएंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्लॉग। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि आवाज़ भी अब साथ नहीं दे रही है, फ़ोन भी गर्म हो चुका है, बार बार वो हीट वाली वार्निंग आ रही है, और 3% बैटरी है और हमें राजकोट पहुँचना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, अब जो